बात हरियाणा के महेंद्रगढ़ की, जहां पर स्कूल बस पलटने से 5 बच्चों की मौत हो गई। साथ ही 40 बच्चे सवार थे बस में उस वक्त जब यह हादसा हुआ। हादसा कनीना कस्बे के पास हुआ, दर्जनों बच्चों के घायल होने की खबर है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि ईद की छुट्टी के दिन बस चल रही है और उसमें बच्चे सवार थे 40 बच्चे, और चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बताया जा रहा है बाकी आपने देखा हो बस कितनी स्पीड में थी? काफी स्पीड में बस थी और कोई भी दिखा एकदम से पेड़ से टकराने से वो हो गया। पेड़ से टकराई है? हाँ, इस साइड फिर एकदम से काफी वो नशे में था, इस कारण अनबैलेंस हो गया। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रोड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय SDM साहब तुरंत आ गए थे, उन्होंने पूरे प्रशासन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है, कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशन नॉर्मल है सभी बच्चों की। कौन से स्कूल की बस थी? GL स्कूल की बसेस बता रहे हैं। कहाँ के थे बच्चे? ये तो देखो अलग अलग गांव के थे, हमें तो पता नहीं किस गांव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना, हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है। 5 कैजुअल्टी, 4 ब्रोड डेड थे, 1 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है क्योंकि वो वेंटिलेटर ब्रेन डैमेज था, उनका भी हम बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए। 5 बच्चों की जिंदगी चली गई, सवाल यह है कि किसकी लापरवाही। हमारे संवाददाता कमलजीत संधू इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कमलजीत, जो घायल बच्चे हैं पहले तो उनके बारे में बताएं कि उनकी स्थिति कैसी है और किस किस की लापरवाही अब तक सामने आई है। देखिए पहली बात तो आज ईद की छुट्टी थी और उसके बावजूद हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे जो पूरा मामला है वो सामने आया है। यहाँ तक ये भी बात आ रही है कि शायद ड्राइवर ने पी रखी थी, लेकिन ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने वहां पर जो बच्चे हैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि 4 बच्चे जो है वो थे उनको मृत घोषित किया गया था, और लेकिन एक जो बच्चा है जो वेंटिलेटर पे डाला गया था उसने बाद में दम तोड़ दिया है। जाहिर सी बात है लोग काफी उत्तेजित हैं, छोटे बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। वहां उसकी जो जांच है वो इस वक्त चल रही है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ इसका कारण अभी पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी बातें हैं वो सामने आ रही है। फिलहाल जो रेस्क्यू है और जो इलाज है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और तकरीबन 15 से 20 बच्चे हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, बेहद दुखद हादसा। हालांकि अब किन कारणों से यह हादसा हुआ उस पर भी आगे जांच होगी।